हेलो डॉल्फी, आज हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, टैली में, जो कि है प्रोजेक्ट ऑन टैली अकाउंटिंग। इसके अंदर हमारा अकाउंट्स का सारा पार्ट आ जाएगा, टैक्सेशन को छोड़ करके, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहा है कि क्रिएट अ कंपनी विद योर नेम, प्रोजेक्ट के नाम से क्रिएट कर लीजिए किसी एक लोकेशन में। इसके बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है ना। हमारे पास कुछ लेजर्स हैं, उनके ओपनिंग बैलेंस हमें डालना है। तो वो पहले मैं सबसे पहले ये करता हूँ, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं हम लोग। तो मैं इसका नाम डालता हूँ प्रोजेक्ट, टेली प्रोजेक्ट। ठीक है, सेशन हमारा रहेगा रहेगा 2021, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर हम बताएंगे कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये दोनों डेटे ये रहेगी और एक्सेप्ट करा देंगे। अभी क्योंकि जीएसटी की कोई बात नहीं है, तो मैं चाहूँ तो जीएसटी को भी क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि फिर ये मेरे को पूछेगा गुप्ता हर इन्फॉर्मेशन की, तो मैं इसे नो कर देता हूँ और एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, लेजर्स क्रिएट करने, ठीक है। तो लेजर्स में गया मैं, कैपिटल, कितना है, 2,50,000। इसके बाद है हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो बना होता है प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉइंग्स, कैपिटल में जाएगा। तो आप इससे चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये डेबिट करना है क्योंकि अपोजिट चलता है, ठीक है। नेगेटिव माइनस हो गया क्योंकि कैपिटल में से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को भी डाल ही देते हैं, 30,000 था तो वो ठीक कर देता हूँ मैं भी। एंड ये हमारा था 45,000, ठीक है। और एक और चीज हमें ऑल्टर करनी है, क्या राइट, 30,000। इसके बाद हम फिर से क्रिएट करने के लिए जाते हैं, और ऑप्शन देखते हैं, कैपिटल रिजर्व, ठीक रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, 45,000। देन उसके बाद हमारा बनेगा लोन फ्रॉम एचएसबीसी, ये हमारा सिक्योर्ड लोन हो जाएगा। लोन फॉर्म ठीक है, ये हमारा अनसिक्योर्ड लोन। आप लोग चेक कर सक पाओगे कि आपने जो चीजें डाली है ना, जिस जगह पे, वो सही जगह पे प्लेस करिए कि नहीं करिए। इसके बाद आप ऑफिस आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, ठीक ऑफिस रेंट 1,000 डलेगा। हमारा करंट लाइबिलिटी कितना है, 40,000। नेक्स्ट क्या है,
डालना पड़ेगा हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक कितना था? 5,50,000। ये हमारे सारे के सारे लाइबिलिटीज के तो बन गए। अब हमें किसका बनाना है? गुडविल का। फिक्स एसेट्स कितना अमाउंट है? ठीक इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन एनएफटी। इन्वेस्टमेंट इन NSE निफ्टी कितना निफ्टी 20। इन्वेस्टमेंट कितना इसके बाद हुआ हमारा सेंडरी डेटर्स। हमारे अब क्या नाम है? मॉडर्न डेटर्स। सन्डे डेटर ये हमारा चलेगा 50,000। बिल नंबर क्या है इसका? 1, 2, 3। इसके बाद हमारा शक्ति इंडिया। सन्डे डेटर कितना अमाउंट? बिल नंबर क्या है इसका? 1,50,000। इसके बाद हमारा है कैश एट बैंक मतलब एसबीआई। एक छूट गया तो जाओ पहले ये बना लेते हैं। 50,000। अब लोन फ्रॉम मिस्टर प्रकाश। अच्छा अब हमारा जाएगा लोन से एडवांस 30,000। ठीक है और अब ये 70,000 रुपये की वैल्यू है ना देखो, है ना, कैश की, और ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब मैंने सारे बैलेंस ठीक डाले चेक के मेरे यहाँ पर, तो मैं कैश का बैलेंस डाल देता हूँ सिर्फ 70,000 का डिफरेंस है। 70,000 में जैसे डालूंगा डिफरेंस खत्म हो जाएगा। देखो हो गया खत्म, तो इसके मतलब मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो आप जाके भी देख सकते हो बैलेंस शीट हमारी मैच हो। ठीक है तो हमारा ये काम हो गया। अब इसमें नेक्स्ट काम क्या है? कॉन्फिगर द चेकबुक डिटेल फॉर द बैंक लेजर सो दैट एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी एंट्री चेक नंबर विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। मतलब क्या है? आपने जो अभी इसका मतलब क्या था, देखो ऑल्टर में गए लेजर में गए और बैंक आपने बनाया था एसबीआई। आप ये चाहते हो कि जब भी मैं एंट्री करूं चेकबुक का नंबर अपने आप से अपडेट होता रहे, पहले आ जाए चेक नंबर 1, फिर चेक नंबर 2, चेक नंबर 3, ऐसा आए। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कर सकते हो? ठीक है ना, यहाँ से इसे यस करोगे, इसमें आप डालोगे कि जैसे 1001 से लेकर के ये बुक जो है चेक नंबर मस्ट कंटेन एनी नुमेरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मस्ट 6 डिजिट का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो 100 लीव्स का है। ठीक है ना, 100 लीव्स का हमारा चेकबुक है तो 100 हो गए। नेम ऑफ द चेकबुक इज एसबीआई डाल देते हैं कुछ भी और एंटर करके एक्सेप्ट। तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा जब मैं इससे एंट्री करूँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी हमने कर ली। ठीक है ना, आप लोगों ने छोड़ दिया होगा जरूर ये। ठीक है ना, तो आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिल गई। ठीक है 1/4/2020 में ओनर ने फर्दर इन्वेस्ट करे 1,25,000 फर्नीचर फिक्सचर्स के रूप में। फर्नीचर फिक्सचर्स दिया खरीद करके किसने? ओनर ने। तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? देखिए इसकी एंट्री कौन से वाउचर में होगी? वेरी गुड, जनरल वाउचर में होगी। जनरल वाउचर में डेट डलेगी 1/4, वही है बाई डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ठीक है,
फिक्स एसेट्स, ठीक, कितना अमाउंट, 1,25,000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल। डायरेक्शन लिखो और एक्सेप्ट करा दो। तो ये एनटीवी हमारे पास हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर 5,000 फ्रॉम कैश टू पेटी कैश। तो कैश टू पेटी कैश ये कॉन्ट्रा एंट्री है, वैसे हम कहा करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री में, और कैश टू पेटी कैश तो क्या बढ़ रहा है, कैश हमारा जा रहा है, तो कैश हमने यहाँ पे लिखा कितना, 5,000 पेटी कैश। ठीक है ना, दोनों चीजें कैश इन हैंड होता है, अब इसे एक्सेप्ट कराओगे, डन। इसके बाद कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, जो ऑफिस रेंट हमारा 14,000 का था, इसे पे करा किस डेट पे, 2/4 में। तो पेमेंट वाउचर में करेंगे, तो F5 दबाते हैं और F2 दबा करके 2 अप्रैल कर देते हैं। तो हमने ऑफिस रेंट पे करा है, 14,000 दिख रहा है, किसके थ्रू, SBI के थ्रू। अपने आप आ गया, देखो नंबर अपने आप आ गया, तो इसीलिए हमने कॉन्फिगरेशन दे दी। तो परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज करी जिसमें पेपर, प्रिंटिंग पेपर ये है, स्टेपलर एंड पिंस है, नोटपेड है। तो बेसिकली हम इसमें ना ये वाला आप क्वेश्चन जो पूछा है वो हमारे को कॉस्ट सेंटर के बेस पे पूछा है, कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंगली हमें करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट सेंटर्स को पहले इनेबल करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो इनएक्टिव, और यहाँ पर हमारे को कॉस्ट सेंटर कैटेगरी बनानी पड़ेगी। कैटेगरी हमारी हो जाएगी स्टेशनरी, और उसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर्स। स्टेशनरी यहाँ पे बनाया हमने, इसके अंदर क्या बनेगा, प्रिंटिंग पेपर, ठीक है। इसके बाद स्टेपलर, एंड पिन, एंड इसके बाद लास्ट है नोटबुक। ठीक है, अब इसके बाद इसकी सेल डेट एंट्री करते हैं। तो पेमेंट वाउच में करेंगे, कौन से तारीख में, 2 तारीख में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउच में स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे, ठीक इनेबल करेंगे इसमें, और यहाँ पे डालेंगे वैल्यू टोटल, टोटल वैल्यू क्या है, ठीक है, 805 रुपये। ठीक है, स्टेशनरी यहाँ पर हमने डालना है क्या, प्रिंटिंग पेपर कितना, 625, स्टेपलर पेन 55, एंड देन लास्ट बचा हमारा नोटबुक। उसके बाद ये क्या रहेगा, किसके थ्रू दिया, ये पेटी कैश पे एंट्री कर दी, एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद कंपनी रिसीव एन ऑर्डर फॉर्म स्टाइल एंड स्टाफ फॉर द फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। अब हमने ऑर्डर रिसीव करा है स्टाइल एंड स्पा से, हमें मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई 500 बॉटल 200 ml ईच ऑफ बॉडी ऑयल, बॉडी ऑयल का हमें ऑर्डर मिला है। तो इसका ऑर्डर हम सेल्स ऑर्डर है हमारे लिए, तो हम ऑर्डर वाउचर में करेंगे एंट्री। यहाँ जाएंगे शो इन एक्टिव में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर वाउचर मिलेगा सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डेट हमारी क्या है, फर्स्ट में क्रिएट करा हमने स्टाइल स्पा, संडे, डेटर, एक्सेप्ट करा दिया। अब इसमें अगर मोड वगैरह है तो कुछ भी डाल सकते हो, अदरवाइज से भी ब्लैंक कर दो। यहाँ पर क्या आएगा, परचेज, क्लियर, सेल्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट कराया। इसमें यहाँ पर आ जाएंगे हम, इस जगह पे आप डालेंगे और बॉडी ऑयल, बॉडी ऑयल, और इसे क्रिएट करा हमने, इसमें यूनिट क्या बनाई हमने, बॉटल, पीटीएल, ठीक है, और डेसिमल पोर्शन तो कुछ होता नहीं बोट रखा। फिर तो उसके बाद इसकी ऑल्टरनेट यूनिट भी देनी है, ठीक है ना, ml, तो हमने बताया कितने, एक बॉटल कितने की है, 200 ml की है, 1 बॉटल, ठीक
है ना, ये हमने ऐसे इस तरीके से लेना है और इसे एक्सेप्ट करा देना है, ठीक है। इसके बाद इसमें गोडाउन नहीं क्रिएटेड है अभी, तो गोडाउन की भी जरूरत भी नहीं है। तो मैंने इसे यहाँ पर अभी कितना क्वांटिटी 500 बॉटल, और रेट क्या है, अभी हमने सजेस्टेड रेट ऑर्डर जो लिया है वो 220 रुपये के रेट से लिया है, तो मैंने इसे एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो ये बोल रहा है कि 1 मई 2020 को कंपनी रिसीव 30,500 फ्रॉम शक्ति इंडिया फ्रॉम देयर प्रीवियस ड्यू बाय चेक ऑफ HDFC बैंक इन फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट। मतलब मिलने कितने थे, शक्ति इंडिया से मिलने थे 14,000 रुपये, मिले कितने 13,500, इसमें मतलब 500 रुपये डिस्काउंट हो गया, ट्रिपल सी एंटी है। तो किस डेट पे हुआ है, 1 मई में, तो हमारा शक्ति इंडिया यहाँ पर आ जाएगा, 14,000 रुपये पूरे सेटल हो जाएंगे उसके अगेंस्ट दिस बिल। उसके बाद यहाँ पर क्या डालेगा, आप अपना बैंक डालोगे SBI, 13,500 आया, और बाकी पैसा जो गया जाएगा हमारा, अब यहाँ पर आप चेक नंबर डाल दोगे, जो उसका चेक नंबर है 657653, ठीक है ना। बैंक नेम, किस बैंक का चेक है, HDFC बैंक, ये इंफॉर्मेशन है सिर्फ। और यहाँ पर आप डालोगे डिस्काउंट, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम हमारी, एक मिनट, हाँ है, डिस्काउंट अलाउड जाएगा, बहुत बढ़िया। कस्टमर से जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट हमारा अलाउड होता है, हम डिस्काउंट देते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर गए, डिस्काउंट ठीक है, एंटर करा, तो ये हमारी एंट्री पास होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, कंपनी हैज डिसाइडेड टू एलोकेट एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज विद इन डिफरेंट न्यूज पेपर, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज एज टेलीग्राफ 35% एंड टाइम्स ऑफ इंडिया 65%। ऑन 2 मई 2020 कंपनी हैज पेड 200 बाय चेक ऑफ SBI। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे को इस पर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी बनानी पड़ेगी, तो क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने बनाया एडवर्टीजमेंट, ठीक उसके अंदर हम हमारे बनाएंगे सेंटर, टेलीग्राफ, और टाइम्स ऑफ इंडिया, और कुछ है। अब इसकी परसेंटेज असाइन करनी है तो कॉन्सेंट्रेट क्लास बनानी पड़ेगी, तो एडवर्टीजमेंट के लिए बना रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट ही देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। किसके ऊपर लगाना है, एडवर्टीजमेंट कैटेगरी के ऊपर, टेलीग्राफ का कितना है 35%, और बाकी बचा हुआ 65% इसका है, और इसे एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। पीछे जाएंगे, अब यहाँ पर एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, तो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्लास, जो अगर आप ऑटोमेटिकली देना चाहते हो तो इसमें लेंगे, और एडवर्टीजमेंट का लेजर बनाएंगे, एक्सपेंस परसेंटेज में इनेबल करेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। तो यहाँ पर हमें किसी वैल्यू डालनी है, वैल्यू कितनी है हमारी, 200 रुपये, SBI, ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। एक्सेप्ट कराते साथ ही अगर आप इस एंट्री को फिर से देखते हो पेजअप करके, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 70 रुपीज यहाँ पर हो गया टेलीग्राफ में, 130 रुपीज टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो ये वाली एंट्री भी हमारी पोस्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है, 1 मई 2020 को रिसीव करा है 25,000 फ्रॉम साइलेंस पा एज एडवांस, एडवांस रिसीव हुआ है मतलब, तो इसका रिसीव वाउचर में एंट्री होगी, ठीक है, 1 मई में। अब उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर स्टाइल,
कितना 25,000 मिला। तो ये एक एडवांस है, तो एडवांस में लेंगे। आप लोगों ने न्यू में लिया होगा, ठीक है ना, एडवांस में लेना होता है। ठीक है, एडवांस में लेने के बाद इसका एडवांस का रेफरेंस नंबर डाला 001 25,000। SBI में बुक करा हमने, चेक नंबर इसका है 442021। ठीक है, तीसरा बैंक किस बैंक का चेक है? ICICI बैंक। ये हम लोगों ने एंट्री कर दिया, तो ये वाली एंट्री वाली पूरी हो गई। इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे को दिखता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 बोतल 200 ml ऑफ बॉडी ऑयल वी नीड फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें एक बोतल बनानी है 200 ml की, तो उसका BUM सेट करना पड़ेगा हमारे को। तो हम क्या जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, बॉडी ऑयल, और यहाँ पे जाकर के इसका BUM सेट करेंगे ये। ठीक है, तो इसका नाम देंगे बॉडी ऑयल, कुछ भी दे सकते हो आप। मैंने बॉडी ऑयल ले लिया, कितनी, 1 बॉटल। तो 1 बॉटल के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? उसके लिए ग्रीस लीन चाहिए, ये मैंने व्हाट्सएप करके बनाया। ठीक यूनिट बनाई ग्रीस लीन की, ML, सबकी ML। देखो यहाँ से मुझे यूनिट्स कहाँ से मिल जाएगी, ML 80 ML चाहिए क्योंकि, तो मैंने यहाँ पर ML लिया इसकी यूनिट। मैंने बताया कितने ML, 80 ML ऐसी बनाया। फिर मैंने पैराफिन, ML कितना, ML 20। टन 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 टन, फिर क्या बनाना है मेरे को, ऑलिव ऑयल, ये कितना है ML है भी, 50 ML। फिर उसके बाद कपूर जी, ठीक है, ये कितना ML, ये ML है, ये MG है, MG में कितने MG, 5 MG। की बात क्या है, फरीदा, फरीदा 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 ML में है 5। ठीक है, उसके बाद नीम ऑयल, नीम ऑयल ठीक, किसमें है ये, ML में 15 ML। फिर क्या है, अरचिस, किसमें है ये, कितना, 10 ML। फिर बताइए, फिर कितने एम एल, 5 ML बस। ठीक ML में 10 ML। तो ये हमने सारी के सारे PM सेट कर दिया, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, एक्सेप्ट करा दिया। अब इसके लिए क्या है, जो चीजें हमने यहाँ पे सेट करी है, इसके लिए हमें मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो हम परचेज करेंगे, 2 मई में हमें परचेज करना है माल, तो परचेज करते हैं जल्दी से। F9 में जाकर के आप परचेज वाउचर में जाओगे और एंट्री करोगे, डेट कर डालोगे 2 मई, ठीक है ना। इसको हम मोड चेंज करेंगे क्योंकि हम आइटम परचेज कर रहे हैं, तो आइटम मोड पे करेंगे। इनवॉइस नंबर क्या है, PUR पब्लिक GC पब्लिक 002। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये परचेज कर रहे हैं घोष कंपनी से, ठीक के बाद इसने एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट, और यहाँ पे परचेज का लेजर बनाएंगे।
ठीक है, यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे। ग्रिसलिन कितनी है बताते रहना, ठीक है? कितनी खरीदी? 5,000 रेट, 50,000 है। कितना रेट? ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट भी इसमें इनेबल करना था, तो इसमें F11 दबा करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन भी इसमें इनेबल कर देंगे। और इसमें कोई गोडाउन तो नहीं गिवन है? गोडाउन भी गिवन है, ठीक है। सेल्डा ग्राउंड, सेल्डा ग्राउंड है, तो 2% लेंगे इसमें हम, ठीक है ना। इसमें गोडाउन पूछा नहीं ना इसने मुझसे, तो इसका मतलब है मुझे गोडाउन बनाया नहीं है, तो एक बार पीछे जाकर के मैंने गोडाउन बना देता हूँ। क्रिएट करता हूँ, नहीं बनाया हमने, ठीक है। लोकेशन में गया, क्रिएट करा, कभी आपसे ना पूछे ना, पैसे बना ले करो पहले। सेल्डा गोडाउन एक्सेप्ट कराया, अब इसके बाद अब फिर से करते हैं। टी यू आर ऑब्लिक टी सी ऑब्लिक 002 घोष एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। ग्रेसली 50,000, अब देखो लोकेशन पूछ रहा है, 50,000, ठीक है। 0.75 कितना परसेंट डिस्काउंट? 2%। अगर आप दूसरा है हमारा पैराफिल सेल डाउन, कितना? 10,000, 1.35, 2%, ठीक है। उसके बाद ऑलिव ऑयल, ठीक है, सेल्डा 25,000, कपूर जी सेल्डा कितना है? कितना? 250, 1.20, 5%। उसके बाद हरिदा हरिद्रा 300 ml एम जी, कितना? 2 रुपये, कितना? 7 नीम शेलदा 10,000, 1.30, और अच्छी 5,000, इसके बाद है कलर 2,500, एसेंस 2,500। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। इसके बाद इसमें कुछ और था नहीं ना एडिशन? नहीं, इसके बाद इसे एक्सेप्ट करा दिया हमने। एक्सेप्ट हो गया, तो ये मैंने परचेज कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपनी प्रोड्यूस 500 बॉटल एंड स्टोर्ड एट अस सेल द गोडाउन, कंपनी पेड लेबर चार्ज 1200, इलेक्ट्रिसिटी 10% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पास कितने कितना डेट लगता है? यहाँ पर इसमें गए हम लोग, यहाँ पर स्टॉक जर्नल में गए, इसका मोड चेंज करा, ठीक है ना, मोड चेंज करा, यहाँ पर डेट हमने डाली फर्स्ट, नहीं 31 मई को कर रहे हैं बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गए, अब हमें बनाने क्या, बॉडी ऑयल, ठीक है ना। यहाँ पे बॉडी ऑयल लिया, लोकेशन सेल्डा, ठीक है ना। कितना? 500 बॉटल, तो जितना मटेरियल उसके लिए चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। हमें डायरेक्टली कहाँ पहुँचना है? इट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहुँचना है, और यहाँ पे देनी है क्या, लेबर चार्जेस। एक मिनट, लेबर चार्जेस, ठीक है ना, ये हमने डाला, और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक
ये बेसिकली जो हमारा मेन लोकेशन बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि क्योंकि पता है किसी को क्यों बोल रहा है बताओ? क्योंकि हम जब हमने बॉम्ब से बनाया था ना, उससे पहले हमने उसके बाद बनाया है अपना गोडाउन, ठीक है? हमने गोडाउन उसके बाद बनाया, तो इसलिए उसने उस टाइम तो सारा सारा का सारा जो लोकेशन था ना वो मेन लोकेशन पे डाल दिया होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैनुअली करना पड़ेगा, जहां से उठाइए इसे डेल्टा ग्राउंड, नहीं तो मुझे पीओएम सेट करना चेंज करना पड़ेगा पहले, ठीक है? इसका अभी पीओएम तो मेरे को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे तो ये नेगेटिव शॉक दिखा देगा, तो मुझे सेल्टा से उठाना है बस। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये 202 रुपये का बन के तैयार हो गया हमारा, 202 रुपये का एक एक पीस बन रहा है, 202 रुपये का टोटल बना, 1,99,997 रुपीज का एक प्रोडक्ट 202 रुपये का बनाया। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, कंपनी सेंड द एंटायर गुड्स एट 20% मार्केट प्राइस, मतलब जितना भी प्रोड्यूस करने में खर्चा है उसका 20% जोड़ करके उसमें उसको फिर सामान को भेज दिया गया, तो डिलीवरी दे दी गई है, तो डिलीवरी नोट में एंट्री करेंगे। डिलीवरी नोट में गए हम, ठीक है, 1 1 6, ठीक है, यहाँ पे गए हम और इसमें चालान नंबर डाला 001, इसमें डाला जिसको भेजा हमने स्टाइलिंग स्पा को, ऑर्डर इसी अगेंस्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट भेजा था, ठीक है, वो अपने आप आ गया सारी चीजें। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है, किस गोडाउन से भेजना, डेल्टा गोडाउन से, अब मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है, पॉलिसी करके बनाता हूँ, 202 का इसमें जोड़ना है 20% है ना, 120%, ठीक है, 242, ठीक है ना, यही इतना आएगा हमारा, इतना हम लोगों ने रखा, तो हमने राउंड फिगर में कर देते हैं 242 रुपीज कर देते हैं, अभी तो भी यही कर सकते हो, एक्सेल करा दो फिर, ये एंट्री होगी हमारी। अब इसके बाद हमने बिल भेजा नेक्स्ट सेकंड सेकंड को, तो सेल लॉन्च में एंट्री करेंगे, करा था डाली थी। आपका कहना है कि जो तो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करी है मैंने, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं डाला है ना, देखो मेरी सारी ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अगर कंपनी ने बिल भेजा तो बिल की एंट्री करते हैं सेल वाउच में, तो 2nd ऑफ जून को भेजा है, 2nd ऑफ जून को बिल नंबर है हमारा S&S 001, तो ये हम स्टाइल पा को भेज रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट डिलीवरी चालान एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट कराया, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ गई अपना आप ही। अब यहाँ पर क्या है, ये बोल रहा है कि पुराना जो बिल है, पुरानी जो अमाउंट है, मतलब अबव चलान एंड एडजस्ट द एडवांस विद इनवॉइस, एडवांस जो पेमेंट करा था उसे एडजस्ट करना है, तो अगेंस्ट में लेना है पहले, तो और जो हमने एडवांस दिया था 25,000 रुपये वो एडजस्ट कर देने, उसके बाद कितना 25,000 रुपये एडजस्ट करना था, ठीक है ना, अगेंस्ट में हमने 25,000 रुपये एडजस्ट करे, फिर उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा वो न्यू फ्रेश रेफरेंस में डाल दिया कि पेंडिंग अमाउंट कितना है, 96,000 का है, एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना, ये हमारा पार्ट करना था हमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा परचेज 5 पीस चेयर्स, 800 रुपीज की एक है एंड 2 पीस टेबल, 3,200 रुपीज की एक है, फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड फॉर ऑफिस यूज, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे ये देखो, फर्नीचर
खरीदा हमने F6 में जाएंगे, तो इसके अंत हम सिंपल हमने उधार में खरीदा है, हाँ उधार में खरीदा है, तो F6 में F7 में एंट्री करेंगे इसकी। F7 में करेंगे हम की फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना कैलकुलेशन आया था इसका, वैल्यू कितना आया था इसका, टोटल आएगा ना, टोटल वैल्यू आएगी इसकी कितना, तो 15,400 आएगा इनका टोटल, 1800 मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन ऑल उनका सम जो आएगा वो इतना आएगा। तो यहाँ पर हम लगेंगे और यहाँ पर ये फर्नीचर वर्ड डाल देंगे, ठीक है, और ये हमारा सैलरी क्रेडिट हो जाएगा। एक्सेप्ट कराएंगे, इसके बाद कंपनी पेड 2700 टू मिस्टर रजत फॉर ऑफिस सम ऑफिस स्टेशनरी, द एक्चुअल बिल अमाउंट इज नॉट कंफर्म सो पास द अप्रोप्रिएट एंट्री। मतलब अभी अभी बिल क्लियर नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, तो इसको इस वाउचर को हमें एंट्री करनी है मेमोरियल वाउचर में, क्योंकि अभी तब तक हमें इसे नोटेड नोट करके रखना है, ठीक है ना, तब तक हम इसे नोट करके रखेंगे जब तक ये एक्चुअल खर्चा ना हो जाए, तो हम इसे एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम डेट डालेंगे, कौन सी डेट पे कर रहे हैं, सेकेंड ऑफ सेवन ऑफ सिक्स, हम सेकेंड 6 को ही करेंगे, मतलब तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑल्ट सी करके रजत, तो इस अकाउंट को मैंने बताया था कि इंप्रेस अकाउंट बोलते हैं, जो ऑफिस के बंदे होते हैं जिनको हम इस तरीके के पैसे दे देते हैं खर्चे करने के लिए और उसे कैश इन के बंदे डालते हैं, तो इस एंट्री का हमारी मेन बुक पे कोई असर पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं डाला 2700 और ये हमने कैश पे किया है, हाँ कैश ही दिया है लेकिन और एक्सेप्ट करा दिया, तो ये एंट्री हमारी हो गई। इसके बाद अ फॉर्म साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद LG इंडिया लिमिटेड हु हैज गिवन 15 डेज क्रेडिट, आफ्टर 15 डेज द वेंडर विल चार्ज इंटरेस्ट 1.5 ऑन दी पेंडिंग बिल्स। तो एक साइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके साथ, LG इंडिया के साथ हुआ है, लेकिन उसके लिए पहले हमें LG इंडिया का वो जो बिल है वो डालना पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं कि जब हमने इससे अगर इसने टाइम पे पेमेंट नहीं करी, 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, तो हम इसके ऊपर 1.5 इंटरेस्ट परसेंट का इंटरेस्ट लगाएंगे पर मंथ। तो अब पहले LG इंडिया से हम क्या सामान खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो परचेज वाउचर में जाते हैं, एक साथ ठीक है, परचेज वाउचर में गए, बिल नंबर डाला हमने, अगर है तो कुछ, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। अब इसमें हमने डाला LG, अब इसमें LG इंडिया डालेंगे और इसमें एक फीचर हम इनेबल करेंगे पहले F11 में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर इनेबल करेंगे और इसमें डिटेल देंगे, ये हमारा संडे क्रेडिटर है और इसने हमें टाइम दिया 15 दिन का, कितने दिन का, 15 दिन का, ठीक है, और इसका पैरामीटर इसने क्या सेट करें कि अगर हमने इसे पेमेंट नहीं करी तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो मैं सारे ऑप्शन को यस करूंगा। ये क्यों यस कर रहा हूँ, मैंने पहले बताया था कि कैलकुलेशन हर एंट्री में हो और आप उसे ओवरराइड करने का अधिकार भी चाहते हो, तो इन ऑप्शनों को यस करूंगे कि जब आप ये जो पैरामीटर अभी सेट कर रहे हो इसको बदल भी सकते हो। तो 1.5% इसमें रखोगे आप और पर मंथ है तो 30 डेज, फिर उसके बाद ये कौन से बैलेंस में कटेगा, हमारे क्रेडिट बैलेंस पे कटेगा, ठीक है ना, और हमारा ऑलवेज किस डेट से होगा कैलकुलेशन, तो उसने क्या बोला था, वेंडर विल बी इंटरेस्ट, ठीक है ना, ड्यू डेट के बाद से करना चाहता है, तो ड्यू डेट के बाद से और नॉर्मल राउंडिंग 1, ठीक है ना, ये सारी चीजें एक्सेप्ट करा दोगे, ये पैरामीटर सेट करने के लिए ये वाली बात बताई गई थी। अब इसके बाद इसमें हम ले लेंगे सारी चीजें वैल्यू, LG इंडिया परचेज, LCD टीवी, अच्छा ग्रुप है LCD टीवी, ठीक है, और ये हमारा रहेगा मॉडल नंबर, बताना मॉडल नंबर 47S, एक जना बोले L90QR, ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, PCG होगी, ठीक है,
उसके बाद इसे किस जगह पे रखेंगे हम, इसमें कहीं गिवन तो नहीं था कि किस गोडाउन में रखना है हमारे को, तो मैं भी इसे कैल्टा गोडाउन में रख लेता हूँ। और कितने पीस? एक। क्वांटिटी रेट 9500। फोर, ठीक है, 4 2S L 90 QR, ठीक है, LCD है, ठीक है, 2 पीस 21,000 का, एक 60 PS 80 FR, ठीक है, पीसीस। और इसका क्या है, प्लाज्मा? ठीक है, एक्सेप्ट कराया, कितना? ये रेट 2000। नेक्स्ट क्या है हमारा, 21F3 5WGE प्लाज्मा या फ्लैट फ्लैट टीवी, ठीक है, कितना? एक, 2 पीस कितने के? नेक्स्ट क्या है हमारा, 21FD 5RG T4 फ्लैट टीवी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारा, 21FC FG6 RG P4 E4, फ्लैट कितना? चार पीस है, ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। फॉलोइंग हमारे ये सब चीजें सेल हो गई हमारी, ठीक है ना। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको, लास्ट दो क्वेश्चन है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या था, फॉलोइंग टेबल इज शो द डिटेल ऑफ कैश सेल, कैश सेल हमने करी है इस पर्टिकुलर डेट पे, तो सेल्स करेंगे हम, सेल्स के एंट्री कैसे डालेंगे, देखो सेल्स में जाएंगे, डेट क्योंकि अलग अलग है, तो डेट अलग अलग है, तो एक एक एंट्री तो हमारी एक ही डेट पे डली हुई है, तो वो दोनों डेटों को, दोनों को हम एक ही डेट पर डाल सकते हैं। 2nd of July को हमने क्या करा, कैश सेल कर दी और एक्सेप्ट कराया सेल, जिसमें हमने ये डाला कि एक तो 21F, कौन सा वाला था, FG6, ठीक है, कितना है, 2 हो गया, क्योंकि 2 हो गए ना हमारे, तो 2 आइटम हो गए, हमने दोनों एक साथ भेज दिए, 11,310 रुपये के, रेट भी एक है ना, तो हम एक ही एंट्री डाल रहे हैं, कि हमने एक एक दिन की एक एंट्री है, तो एक दिन की एक एंट्री भी डाल सकते हो, तो अलग अलग भी बिल बिल डाल सकते हो, चाहो मर्जी आप, ठीक है ना, चोरी गलत कुछ नहीं है। आप इसे एक्सेप्ट कराओ, इसके बाद आपका एक है आपका 31/7 का है, तो वो डिफरेंट डेट पे डालना पड़ेगा, कैश, ठीक है, सेल्स, और ये हमारा है 21FD FD 5W वाला, ठीक है ना, ठीक है, सेल डाउन ग्राउंड से जाएंगे, कितने भी पीस बचे, ये 1 बचा, 10,800, ठीक है ना, इसे एक्सेप्ट कराएंगे, ये हमारा एंट्री पास रहेगी। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये कह रहा है कि बैलेंस शीट की अपनी स्प्रेडशीट को बाहर निकालो एक्सेल फॉर्मेट में, तो कैसे निकालोगे वो देखो। अब उसके लिए क्या जाओगे, बैलेंस शीट पे जाओगे अपनी, बैलेंस शीट को एक्सेल फॉर्म में पहले डिटेल में खोल लो, ऑल्ट F1 दबा करके, फिर इसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो एक्सपोर्ट करने के लिए कहाँ जाओगे, एक्सपोर्ट में जाओ, एक्सपोर्ट में गए, ठीक है, करंट, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जा करके यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर दो, ठीक है, क्या फॉर्मेट कर दो, एक्सेल, आपको जेपीजी में करना है तो जेपीजी में कर सकते हो, आप पीडीएफ में करना चाहते हो पीडीएफ में कर सकते हो, किसी भी चीज में आप बाहर निकाल सकते हो, एक्सेल फॉर्मेट बाहर निकालो, किस लोकेशन में रखना है उस लोकेशन का डिटेल दो आप यहाँ पर, ठीक है ना, इसी जगह पर रखना चाहते हो, फाइल का नाम क्या रखना है वो यहाँ पर डिटेल दो और एक्सेप्ट करा दो, ठीक है,
एक्सेप्ट करके सेंड कर दो इसे, तो जिस लोकेशन में जानी चाहिए उस लोकेशन में जा करके ओपन भी हो जाएगी। तो ये काम आपका था सारा का सारा पार्ट, जो कि हम लोगों ने एक पूरा प्रोजेक्ट कर लिया। लेकिन अभी आपको दिख जाएगा एक्सेल की फाइल जो एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा पारा पूरा पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप उस लोकेशन में जाके देखोगे तो एक्सेल की फाइल आपको मिल जाएगी। तो इतना पार्ट है, ये आपकी ओपन भी होगी, देखिए एक्सेल की फाइल इस तरीके से आपकी जो जिस फाइल में जाके वो जिस जगह पे जाके सेव हुई है उस जगह से ओपन भी हो जाती है। तो आप इसमें ओपन हो गई है, सारी चीजें आ गई आपकी। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट्स है आपके साथ क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच।